अपना बेस ऑलरेडी कम्प्लीट कर लिया है, सिर्फ आई मेकअप और थोड़े से ग्लिम्स ऑफ सेल्फ लव बचे हुए मेरे फेस पे। ऑल आई कैन सी राइट नाउ इज अ बेयर फेस। मैंने सिर्फ अभी फाउंडेशन कंसीलर वगैरह करा है, पाउडर से उसे सेट करा है, एंड आज के लुक के लिए मैं कुछ इंटरेस्टिंग सा प्लान कर रही हूँ। सो लेट मी जस्ट एक्सप्लोर समथिंग, मुझे देखने दो कि वैलेंटाइन लुक में लोग क्या क्या करते हैं। लाइक दिस वन इज वेरी गुड, वी कैन डू दिस, नो लेट्स जस्ट गो विद दिस। मुझे सिर्फ आई शैडो चाहिए जो कि थोड़ा सा पिगमेंटेड हो, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई नीड अ ग्लिटर and some rhinestones. So मेरे पास ये rhinestones available है that I got from Amazon. मैंने दो का pack लिया था, some 500 या 350 something का, मुझे price exactly याद नहीं है, but I'll be mentioning everything in the description box as well as you can check out all the links. So अब हम start करते हैं। सबसे पहले मुझे एक cardboard ढूंढना पड़ेगा जिसका मैं heart cut कर सकूँ। So it's half done and half left. But let's just discuss about the solo date ideas, जो इस वीडियो का primary point था, of course. So firstly, if you are traveling somewhere new, for example, in my case, मैं as a makeup artist बहुत सारी नई cities में अभी travel कर रही हूँ, and उस time पे मुझे realize आता है let's explore. आप अपनी खुद की city में एक ऐसा destination खोजो जो आपके mind में है, बहुत time से pending है, जहाँ पे आप नहीं जा पा रहे हो, and just go and explore there. बहुत से आइडिया टू भी आइडिया वन से रिलेटेड ही है, बिकॉज आइडिया वन में हम एक्सप्लोर कर रहे थे एक नई सिटी और आई वुड से एक नई जगह, बट आइडिया टू में मैं आपको पर्टिकुलरली सजेस्ट करूंगी जस्ट गो ऑन अ बीच डेट, अगर आपकी सिटी में बीच है या फिर अगर आपकी सिटी में माउंटेन्स है, और अगर इन केस आपकी सिटी में बीच भी नहीं है, माउंटेन भी नहीं है, तो ऐसी कोई जगह ढूंढो जहां पे आपको थोड़ी सी शांति मिले और जहां पे आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सको। सो जस्ट गो ऑन अ बीच डेट और अ माउंटेन डेट। ये है स्विस ब्यूटी के ग्लिटर्स, जो लिक्विड ग्लिटर्स है, एंड व्हाट आई विल डू जस्ट यूज इट डायरेक्टली ऑन द आईलिड। मैंने ग्लिटर्स अप्लाई कर लिया एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स। ओह माय गॉड, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। नाउ ओनली द राइनस्टोन पार्ट इज लेफ्ट एंड ऑफ कोर्स द फाइनल लुक। आइडिया नंबर थ्री, जस्ट कुक सम फैंसी डिनर फॉर योर सेल्फ। मे बी वो कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज सुबह मैंने चीला बनाया था, एंड मेनी पीपल नो दिस थिंग जो मेरे ब्रॉडकास्ट पे है कि वो जो चीला मैंने बनाया था वो लेजिट चल गया था, बट मैंने खाया था बिकॉज इट वॉज लाइक अ मील दैट आई हैव कुक फॉर माई सेल्फ, एंड ऑफ कोर्स वो मेरे लिए एक अलग ही खुशी थी। बट या कुक समथिंग फॉर योर सेल्फ। Now I'm using this Hilary Rauda का जो लिक्विड लाइनर आता है ग्लिटर वाला, दिस इज अगेन इन द सिल्वर शेड। इसके मुझे और शेड चाहिए है फॉर श्योर, बिकॉज इट्स टू गुड मैन। आई मेकअप इज ऑलमोस्ट डन, बट बिफोर दैट लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट द आइडिया नंबर फोर जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, दैट इज गो एंड वॉच द सनसेट विथ योर फेवरेट स्नैक, भले ही वो टेरेस पे हो या फिर किसी पर्टिकुलर गार्डन में बैठ के देखो या फिर माउंटेन्स में जाके देखो, बट प्लीज डू दैट, बिकॉज ऐसा बहुत बार होता है कि हम मिस करते हैं ये सारी चीजें। मैं बचपन में बहुत देखती थी, बिकॉज मेरे जो टेरेस था ना पुराने वाले घर का, वहां से मुझे डायरेक्ट दिखता था, बट पर्टिकुलरली जब आप ऐसी जगह पे आ जाते हो जहां पे आपको ना सनसेट दिख रहा है ना सनराइज दिख रहा है, एट दैट पॉइंट मुझे रियलाइज होता है यार वो दिन भी क्या दिन थे। सो इसलिए इफ यू हैव अ चांस जस्ट ग्रैब योर फेवरेट स्नैक और आप टेरेस पे जाओ या तो किसी गार्डन में जाओ, बट सनसेट देखो सनराइज देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं जल्दी से मस्कारा से कवर कर रही हूँ, दिस इज मेबेलिन स्काई हाई। मुझे इसका ब्लैक वाला भी ट्राई करना है। आई गो विथ ऑफ व्हाइट और राइट काजल, दिस इज द फॉरएवर 52 काजल। फॉर द लिपस्टिक मैं यूज कर रही हूँ मेबेलिन का विनाइल लिपस्टिक इन द शेड 10 लिपी, दिस इज लाइक अ न्यूड पिंक, ओके, बट मुझे ये शेड अच्छा नहीं लग रहा है इसके ऊपर। आई बी यूजिंग दिस, दिस इज गुड। ये उनका क्रेयोन वाला लिपस्टिक है। ओके, सो दिस वन इज माय फेवरेट। एक्सप्लोर एनी लाइब्रेरी और म्यूजियम और आई वुड से मंदिर, जो भी आपके घर के पास है। For me, it's always mandir. I've done the same thing in Bombay. मेरे पास दो दिन अवेलेबल थे जो बिल्कुल फ्री थे। मैंने एक दिन जाके जुहू के सारे मंदिर घूमे थे, एक दिन जाके मैंने महालक्ष्मी टेम्पल, नेक्स्ट डे जाके मैंने सिद्धि विनायक टेम्पल, मैंने सारे टेम्पल्स घूमे, बिकॉज मुझे मंदिर जाना बहुत पसंद है। लाइक whenever I feel low, stuck or something like demotivating, मैं हमेशा मंदिर जाती हूँ। और आपके साथ भी हो सकता है, मे बी शायद ऐसी कोई पर्टिकुलर प्लेस आपको ढूंढनी पड़े जहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा सुकून वाली फीलिंग आए। कमिंग टू द आइडिया नंबर 6 इज एक्सप्लोर सम न्यू कॉफी रेस्टोरेंट्स अराउंड योर एरिया, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन अगर आपकी न्यू फ्रेंड्स बनते हैं, द फर्स्ट थिंग वी एक्सप्लोर इज ऑफ कोर्स कॉफी शॉप। सो एटलीस्ट जस्ट गो ऑन अ कॉफी डेट एंड एक्सप्लोर सम न्यू प्लेसेस अराउंड योर एरिया। व्हेनेवर आई फील लो और समथिंग, आई जस्ट गो ऑन अ कॉफी डेट। देयर आर टू
2-3 रेस्टोरेंट्स अराउंड माय एरिया जहाँ पे ये तो फिक्स है कि मुझे हफ्ते में एक या दो बार यहाँ पे जाना है, कॉफी पीनी है, वहीं पे बैठ के काम करना है एंड आप एंजॉय भी बहुत अच्छे से कर सको। लास्ट सोलो डेट आइडिया के अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट वाला है, दैट इज जस्ट एक्सप्लोर अ न्यू रेस्टोरेंट। मुझे एक्सप्लोर करना भी पसंद है एंड ऐसा बहुत बार होता है कि मैं हमेशा इंडियन साइड ही भागती हूँ जहाँ पे मुझे इंडियन खाना मिल सके, बट जब एक्सप्लोर की बात आती है तो मैं हमेशा ऐसा कॉफी शॉप पता नहीं क्यों एक्सप्लोर करती हूँ या फिर कोई ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पे मुझे चाइनीज मिल सके। सो नाउ आई एम टेकिंग दीज राइनस्टोन्स जो मेरे पास अवेलेबल है, दीज आर द कलरफुल वंस। आई एम टेकिंग द रेड वन पर्टिकुलरली बिकॉज उससे थोड़ा क्या ज्यादा अच्छा कलरफुल लुक आएगा। मुझे इसके साथ इस टाइप का एक टूल मिला था सो मैं ये यूज करने वाली हूँ एंड आई बी यूजिंग द आईलैश ग्लू। आईलैश ग्लू के लिए मैं एक स्विस ब्यूटी का आईलैश ग्लू यूज करूंगी। इसके पहले मैंने कभी भी मतलब इसका यूज नहीं करा बट आई गॉट द गुड रिव्यूज एंड ऑल। नेक्स्ट वन जो गर्ल्स का फेवरेट है दैट इज शॉपिंग, बट नॉट अ रेगुलर शॉपिंग, जस्ट गो ऑन अ थ्रिफ्ट शॉपिंग। कोई ऐसा मार्केट ढूंढो, कोई ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे आप शॉपिंग कर सको बट अंडर बजट। फॉर मी वेजिटेबल शॉपिंग, आई डोंट नो व्हाई बट ग्रोसरी शॉपिंग इज समथिंग जो मैं बहुत ज्यादा इंजॉय करती हूँ। एंड विद द सेम एग्जाम्पल आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो लाइक शॉपिंग से रिलेटेड। आपको एक ऐसा मार्केट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे आपको कपड़े से लेके हर चीज मिल सके बट एक बजट में, ओवर बजट मत कर लेना अदरवाइज उसके बाद आपको रोना पड़ सकता है। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे व्हाइट कलर के भी थोड़े राइनस्टोन्स लगाऊं। मैं यहाँ पे अभी 3 डॉट रख रही हूँ व्हाइट से, लेट्स सी कि वो कैसा लगता है। नाइस, आई लाइक इट एंड आई जस्ट कम्प्लीट दिस वन एंड आई जस्ट कम बैक। नेक्स्ट आइडिया इज टेक सम आर्ट क्लासेस। आर्ट एज इन आप बेबी शायद पेंटिंग क्लास ज्वाइन कर लो, क्लास नहीं तो वर्कशॉप्स लो। बिकॉज इन माई केस मैं हमेशा ढूंढती रहती हूँ कि मुझे कौन सी ऐसी वर्कशॉप मिले जो मेरे लिए बेनिफिशियल भी हो प्लस जिसमें मुझे मजा भी आए। अभी बहुत ज्यादा जो ट्रेंड चल रहा है इज ऑफ कोर्स रेजन आर्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने देखा होगा फॉर श्योर, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। गाइज इट्स डन, मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। सी दिस, ओ माई गॉड। लास्ट एंड माई फेवरेट इज हैव अ मूवी नाइट प्लीज। अगर आप कभी भी मूवी नहीं गए हो अकेले, आई एम नॉट जस्ट सेइंग मूवी नाइट एज इन रात में जाओ, मूवी नाइट आप घर पे भी कर सकते हो, मतलब कोई भी ऐसी मूवी जो आप बहुत टाइम से सोच रहे हो जाने के लिए, जस्ट गो। मुझे नहीं पता, मुझे शायद लोग पागल समझ रहे होंगे बट दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू ट्राई। सोलो डेट्स लाइक इट्स सो अंडररेटेड इन इंडिया स्पेशली, बट पीपल गो आउटसाइड अलोन। मे बी शायद आपको फर्स्ट या सेकंड टाइम में थोड़ा सा बोरिंग लगे या फिर थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि दूसरे लोग मुझे देख रहे हैं या फिर वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, बट डूड ट्रस्ट मी, आप जब एक दो बार चले जाओगे ना, थर्ड टाइम आपको ऐसा लगेगा यार छोड़ो सबको और चलो। मुझे कैसे लोग पसंद है कैसे लोग पसंद नहीं है ये सारी चीजें जब मैंने खुद अकेले रहना चालू करा ना तब मुझे रियलाइज हुई। आई गेस दैट्स द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ जब मैंने सोलो डेट्स पे जाना स्टार्ट करा। सो जस्ट एक्सपीरियंस दीज एंड मैं आपको मिलती हूँ जल्दी से हेयर स्टाइल के बाद। सो गाइस दिस इज द फाइनल लुक, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वाला लुक कैसा लगा है बिकॉज आई जस्ट लव्ड इट। मैं बहुत टाइम से राइनस्टोन्स के साथ कुछ तो एक्स्ट्रा करना चाहती थी, फाइनली आई डिड एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर द वैलेंटाइन डे बिकॉज मैं ऐसे 6 या 7 डिफरेंट लुक्स ट्राई करने वाली हूँ जो मैंने कभी नहीं करे हैं। सो यू शुड बेटर फॉलो मी अप ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज वहां पे सारे अपडेट्स आएंगे एज वेल एज ऑन शॉर्ट्स। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, बाय।